एक्सेलेंसी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रुतेश गुप्ता। दर्शकों, जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरी हासिल करना हर एक युवक का एक सपना होता है। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहां पर कई फेक अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, जिसका समय समय पर भंडाफोड़ भी किया गया है। आपको बता दें कि क्राइम ब्रांच ने पुलिस में फेक और फर्जी ऐसी अपॉइंटमेंट्स के आरोप में 19 व्यक्तियों के खिलाफ जो है आरोप पत्र दाखिल किया है। इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग श्रीनगर क्राइम ब्रांच कश्मीर ने पुलिस विभाग में जाली और फर्जी नियुक्ति आदेशों से संबंधित एक मामले में शुक्रवार को आरोप पत्र पेश किया। अपराध शाखा ने कहा है कि इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने धारा 420 के तहत दंडनीय अपराधों में शामिल होने के लिए 19 आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ पैसेंजर टैक्स श्रीनगर कोर्ट के समक्ष 2015 की FIR नंबर 48 की आरोप रिपोर्ट पेश की है। 468, 120B एवं 201 RPC मामले के संक्षिप्त तथ्य ये हैं कि क्राइम ब्रांच कश्मीर को एक शिकायत मिली थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि फर्जी और जाली नियुक्ति आदेशों के आधार पर कुछ व्यक्तियों को जम्मू कश्मीर पुलिस जिला श्रीनगर में नियुक्त किया गया था। तदनुसार तत्काल मामला वर्ष 2015 में पुलिस स्टेशन क्राइम ब्रांच कश्मीर, जो अब इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग श्रीनगर है, उसमें दर्ज किया गया था और जांच शुरू कर दी गई थी। जांच के दौरान ये एस्टेब्लिश किया गया कि नियुक्ति आदेश नियमों और मानदंडों के स्पष्ट उल्लंघन में है और रिकॉर्ड आदि में हेरफेर के बाद जारी किए गए थे। तदनुसार मामले की जांच में 19 आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप साबित होने के कारण बंद कर दी गई और उसकी आरोप रिपोर्ट जुडिशियल डिटर्मिनेशन के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश की गई है। फिलहाल ये मामला कोर्ट के अधीन है और माननीय न्यायालय जो है इस पर पूर्ण रूप से इंसाफ करेगा। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलेंसी न्यूज।